नमस्कार, मैं दुजेश उपाध्याय, संगीत नृत्य एवं कला प्रदर्शन विभाग मानविकी विद्या शाखा की तरफ से आपका स्वागत करता हूं। आज जिस विषय पर हम वार्ता करेंगे वो है तबला वाद्य की संरचना एवं उसके अंग। तबला जो उत्तर भारतीय संगीत का बहुत ही प्रचलित वाद्य है, ये आप सभी जानते हैं। और तबला की जो संरचना है, जिस प्रकार आप जैसे देख रहे हैं कि यह मुख्यतः दो भागों से मिलकर बना होता है। एक आपको ये छोटा भाग दिख रहा होगा, इसको ज़्यादातर हम देखते हैं कि जो तबला वादक होते हैं अपने दाहिने तरफ को रखते हैं, क्योंकि वो राइट हैंडर होते हैं, तो इसको दायां कहा जाता है। और ये जो दूसरा भाग होता है इसको बायां कहते हैं, और ये बाएं तरफ को रखा हुआ होता है, इसलिए इसको बायां कहते हैं। अब ये तो एक हमने जनरल बात बताई कि ये एक दायां हो गया और एक बायां हो गया। अब जब हम संगीत के विषय में जब बात करेंगे, उसमें भी मुख्यतः तबला वाद्य की, तो इसको जब हम तबला, आज हमने कहा कि दो भागों से मिलकर बना होता है, लेकिन अब उन जब हम तबले की बात करते हैं तो जो दायां हाथ पे होता है, जिसको दायां कहा जाता है, उसको हम जनरल बोलचाल की भाषा में तबला कह देते हैं। और जो ये बायां होता है वो, इसको हम डग्गा कहते हैं। और जहाँ कहीं कहीं आप इसको, जैसे पंजाब क्षेत्र में, इसको हम धामा भी कहते हैं। जैसे आप इसकी संरचना देख रहे हैं उसमें आप देखेंगे कि जो दायां भाग जो होता है वो बाएं की अपेक्षा छोटा होता है। ये आप इसमें जो इसकी संरचना है इसके हिसाब से आपको दिख रहा होगा। जैसा कि हमने आपको बताया कि तबला वाद इन दो भागों से मिलकर बनता है, जिसको हम दाएं हाथ वाले को दायां या तबला और बाएं हाथ को बायां या डग्गा इसे कहते हैं। अब जब हम आगे इसके बारे में बताएंगे कि इनकी अलग अलग संरचना जो है, और हम ये बताएंगे कि जो ये हम तबला जिसे कहते हैं दायना, ये किस चीज़ का बना होता है, इसको ये आप देख रहे हैं अंदर वाले पार्ट जो उसका है, ये लकड़ी है, और ये अलग अलग टाइप की लकड़ियों से बनता है, इसको हम कहते हैं काठ। विशेषतर जो हम तबला जिसको दायां कहते हैं, इसको कहते हैं काठ। अब ये ऐसा होता है कि जैसे आम है, खैर है, शीशम है, इन लकड़ियों का मुख्यतः ये बनता है, लेकिन वर्तमान में आप देखेंगे कि शीशम का प्रयोग इसमें ज़्यादा देखने को आपको मिलेगा। और शीशम भी, जैसे आपको ये दिख रहा है, ये नॉर्मल शीशम जो आता है ब्राउन कलर का, ये भूरे रंग का ये शीशम है, और एक दूसरा आता है काला शीशम, जो आप देखेंगे कहीं ये जो इसका वो होगा थोड़ा कालापन इसमें ज़्यादा लिए हुए होता है। तो मुख्यतः आजकल जो भी तबले का जो याला काठ हम यूज़ करते हैं वो आपको दिखेगा कि ये आपका शीशम का बनता है। अभी तो इसमें पूरी लगी हुई है, लेकिन अंदर से ये खोखला होता है, जो ये काठ है। अगर आप एक इमेजिन करें, आप एक कल्पना करें कि सब चीज़ें हटा दिया तो खाली ये काठ आपको दिखेगा। जैसे आप जो दुकानों में कभी जाएंगे, जो हमारे वाद्य यंत्रों की दुकानें होती हैं, वहाँ बहुत बार आप देखेंगे कि ये ऐसे आपको बाहर ऐसे रखे हुए मिलेंगे काठ, तो अंदर से ये खोखला होता है। और कुछ जो बनाने वाले हैं कारीगर, वो इसको या तो हाथ से अंदर से या मशीन की सहायता से अंदर से इसको एक आकार देते हैं, इसको छिलके थोड़ा एक डिज़ाइन ऐसा बनाते हैं, जो गूंज है जब हम पूड़ी पे हम स्ट्राइक करते हैं तो ये नीचे से जो गूंज बने तो ज़्यादा अच्छी सुनाई दे, तो उसको एक विशेष आकार दिया जाता है, या चाहे वो हाथ से दें या मशीन के द्वारा। और इसी तरीके जब हम बाएं की इसकी बात करेंगे, तो इसको तो हम जैसे डग्गा कहते हैं, तो इसके जो यहाँ हमने दाएं को हमने काट कहा, तो इस वाले को कूड़ी कहते हैं। और ये आप देख रहे हैं ये मेटल का है। अब मेटल में आप देख सकते हैं कि या तो स्टील का होगा, कहीं लोहे में बाहर से स्टील की आप एक वो परत जैसी लगा दी जाती है, या वो तांबे का होता है, या वो पीतल का होता है, इन धातुओं का बनता है। और पहले जो ये प्रचलन था, ये मिट्टी में भी बनाए जाते थे, मिट्टी के, लेकिन मिट्टी के जो भी चीज़ बनेगी वो रखरखाव की दृष्टि से बहुत ही
मुश्किल हो जाता है उनका रखरखाव, क्योंकि वो एकदम से टूटने का उनमें डर ज़्यादा रहता है। तो बाद में ये सब चीज़ें ऐसी रही कि इसमें मेटल और लकड़ी का प्रयोग किया गया। इसके बाद जो हम अगले भाग के बारे में आपको बताएंगे कि इन दोनों ही तबला के भागों में आप देख रहे हैं, ऊपर से एक ये चमड़े की परत है, इसको हम कहते हैं पूरी। ये दोनों ही आप इसमें देख पा रहे होंगे। तो ये भाग जो होता है जिसपे तबला वाद्य का वादन होता है, ये पूरी है। अब ये बनता है चमड़े से, मुख्यतः बकरे की खाल का इसमें प्रयोग किया जाता है। और आप दोनों ही उसमें देखेंगे कि इसमें दो परत होती हैं खाल की, एक आप देख रहे होंगे बाहरी परत और एक अंदरी अंदरूनी परत, और ये अंदर से जुड़ी रहती है। दोनों ही तबलों में आप ये देख रहे होंगे, ये एक बाहर वाला भाग है और एक अंदर वाला भाग। तो ये दो जो परत है हमारे, जो खाल है उसकी दो परतों से मिलकर ये बनता है, और एक के ऊपर लगा के पूरा यहाँ पर कहीं किनार पे यहाँ पर ये इसको ये जॉइंट होते हैं अंदर तरफ से, ठीक है। और एक विशेष बात ये है कि जो दाएं की पूड़ी होती है ये थोड़ा सा पतली होती है बाएं की अपेक्षा। ये थोड़ा सा आपको मोटी दिखेगी, ये वाली बाएं डग्गे की जो पूड़ी होती है वो आपको थोड़ा सा मोटी मिलेगी, और दाएं की पूड़ी थोड़ी सी पतली रहती है। इसके पूड़ी के बाद जो हम अगले भाग के बारे में आपको बताएंगे वो है शाही। ये जो आपको ये बीच में आपको काला सा जो ये भाग दिख रहा है दोनों ही इसमें पूड़ियों में, इसको हम शाही कहते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है, और इसके तो ये दाएं जो तबला होता है उसके बीचों बीच में आपको दिख रही है, बाएं में ये बीच बीच में ना होकर, एकदम बीचों बीच में ना होकर एक तरफ को होती है, जैसा आप इसमें देख पा रहे हैं। ये इसमें ये स्टैंडर्ड है कि ये बीचों बीच में रहेगी और ये एक साइड को रहती है, बीचों बीच में इस बाएं की पूड़ी के बीचों बीच में नहीं रहती, एक साइड को ही रहेगी। ये आपको लगभग सभी तबलों में ऐसा ही देखने को मिलेगा। और अब इसके निर्माण की बात कर लें कि पूड़ी का निर्म ये पूड़ी में जो हमारी स्याही है उसका निर्माण कैसे होता है। इसमें मुख्यतः जो बनाने वाले हैं, एक तो जो काला है वो लौह चूर्ण और एक नीला थोता होता है, और गीले चावलों का प्रयोग किया जाता है। इसका एक लेप तैयार किया जाता है और इसको जब पूड़ी बन जाती है और उसके बाद इसमें लगाया जाता है, और इसमें फिर उसके बाद एक चिकना पत्थर होता है उसकी सहायता से इसमें लेयर लगती रहती हैं और उसकी घुटाई करते हैं, उसको खूब घिसा जाता है और फिर उसमें फिर लगाते हैं। ऐसे करके प्रक्रिया चलती है, और जिस स्केल में आपको ये दायां तबला बनाना होता है उस स्केल के हिसाब से इसमें स्याही लगाई जाती है और उस हिसाब से सेट की जाती है। बाएं में भी इसी प्रकार से प्रक्रिया इसमें चलती है। और जब हम बात करते हैं कि इसमें कौन कौन से बोल या वर्ण बसते हैं, तो जैसे इन्हीं की सहायता से इसमें गूंज भी उत्पन्न होती है, जैसे तिट है या तिरकिट है, ये सारे के सारे बोल या वर्ण आप इसमें देखेंगे कि ये शाही का प्रयोग करके ही निकाले जाते हैं। शाही के बाद एक जो अगला भाग हम आपको बताएंगे इस पूरी में, आप देखेंगे कि एक जो ये किनारे में आपको दिख रहा होगा एक ये लेयर, जो हमने आपको बताया कि पूड़ी में दो लेयर होती हैं, दो परतें होती हैं, एक नीची परत और एक ऊपर परत, और ये किनारे पे जुड़ी रहती हैं। तो ये आप भाग देख रहे होंगे दोनों में ही 1 से 1.25 इंच या कहीं 1.25 इंच के आसपास का आपको दिखेगा, ये घेरा सा बना होता है, इसको किनार कहते हैं। ये दोनों ही आपको तबलों के भाग में दिखेगा, ये वाला पार्ट बाहरी पार्ट, ठीक है। अब इसमें एक बहुत ही विशेष चीज है कि जो वर्ण है ता ना, ये वर्ण इस पे बजाए जाते हैं, जो बेसिक वर्ण है हमारे तबला वाद्य के, ये इस तरीके में बजते हैं, और आपको दोनों में ही ये समान रूप से देखने को मिलेगी। इसमें आपको जो दिख रही है लगभग लगभग ये, जैसे मैंने आपको बताया कि 1 से 1.25 इंच 1 इंच, ये थोड़ा ऊपर नीचे होता है कि अगर तबला जिस मुहार का बना हुआ है, जैसे
साढ़े पाँच का, सवा पाँच का, 6 का, 6.25 का, 6.25 का, 6.5 का, उस हिसाब से इसका थोड़ा सा ये भी रहता है कि तबला कितने बड़े मुँह का है, उसके हिसाब से ये जो किनार का जो भाग होता है वो उसके हिसाब से थोड़ा सेट होता है, एक उस हिसाब से मनाया जाता है। और किनार का मुख्यतः प्रयोग जो घरानों की जब हम बात करेंगे तो दिल्ली घराने में किनार के बोलों का वादन आपको अधिक देखने को मिलता है। और किनार जो ये हम बता रहे हैं आपको, मेनली इसका प्रयोग हमारा दाएं तबले में होता है, इसमें इसका बहुत प्रयोग देखने को आपको नहीं मिलेगा कि इसमें किनार का आपको प्रयोग मिल रहा है। ये जो दायां जिसको हम तबला कह रहे हैं उसमें ही आपको इसका प्रयोग देखने को मिलता है। और किनार के साथ साथ इसको चाटी भी कहा जाता है। इस तरीके से ये जो ये किनार में चीजें बज रही हैं इसको चांटी भी कहते हैं। किनार के बाद जो अगला जो आपको हम बताएंगे उसका अंग वो है आपका लव, लव या मैदान। अब मैदान इसमें से देखिए, ये हो गया आपका किनार और ये हो गई आपकी स्याही। इन दोनों के बीच में आप एक ये भाग देख रहे होंगे लगभग आधा से पौन इंच के आसपास का, इसको हम लव या मैदान कहते हैं। ये आप जो इसको स्याही और आप किनार के बीच में देख रहे हैं। अब जो ये है इस पे देखिए, जैसे हम बजाते हैं दिन या दोनों मिला के दिन, इस पे आप देख रहे हैं कि ये ऐसे कुछ वर्ण निकलते हैं। और जो तबले का लखनऊ घराना है उसमें इस लव का अधिक प्रयोग हमको देखने को मिलता है। तो इसको लव या मैदान, मैदान यानी कि ये आपका ये वाला एरिया जो स्याही और किनार के बीच का है। इसके बाद आप इन दोनों ही जो हमारी पूड़ी है, पूड़ी में आप ये देखेंगे कि ये आपको एक जो ये भी सब खाल से बना हुआ है और ये गुथा हुआ नज़र आता है। कहीं तो ये प्लेन गुथा हुआ नज़र आता है, कहीं है ज़्यादा तरीके से डिज़ाइन में भी आपको गुथा हुआ दिखेगा दोनों ही तबलों में। इसको हम कहते हैं गजरा, जो इसका ऊपर वाला जो पार्ट है ये देख रहे होंगे आप। ये चारों ओर आपको एक जो ये एक चमड़े का बना हुआ होता है और इसको गूंथा हुआ गूंथा जाता है और ये दोनों में आपको ये देखने को मिलेगा। आजकल बहुत आप देखेंगे कि यहाँ पे कुछ एक डिज़ाइन टाइप का भी डाल देते हैं, वो कलर डिज़ाइन जैसा भी, तो उसमें वो चेक का जैसा भी आपको देखने को मिलता है। तो इसको हम कहते हैं गजरा। अब इसी गजरे में आप देखेंगे कि कुछ कुछ दूरी पे छिद्र बने हुए हैं, ये आपको दिख रहा होगा, ये पूरे के पूरे आपको छिद्र दिख रहे होंगे। जो ये छिद्र होते हैं इनको हम घर कहते हैं। तबला छोटा हो या बड़ा हो सब में यही आपको दिखेगा। और ये जो छिद्र होंगे इसमें 16 होते हैं, ये एक स्टैंडर्ड होता है कि इसमें 16 से ज़्यादा नहीं होंगे, क्योंकि ये एक स्टैंडर्ड चीज़ बनाई गई है कि इसमें चाहे तबला बड़ा हो और चाहे छोटा हो, इसमें आपको ये दिखेंगे कि दाएं तबले में आपको ये गजरे में कुछ छिद्र होंगे, जहाँ से ये अभी बताएंगे आपको बाद में, ये आपको रस्सी जैसी भी नीचे को आई हुई दिख रही होगी, ये जो छेद होंगे वो 16 होंगे, इनको घर भी कहा जाता है। तो ये पूरा गजरा आपके 16 घरों में बटा हुआ रहता है। अब जो दूसरी चीज है ये आप देख रहे हैं दोनों ही तबलों में कि ये यहाँ से बद्दियाँ नीचे को, ये नीचे जो रस्सियाँ आई हुई हैं तो इनको हम कहते हैं बद्दी। और मुख्यतः आप इसमें देखेंगे कि दाएं तबले में यह क्या होती है कि ये चमड़े की ही बनी रहती है, ठीक है। और जो अभी मेरे पास जो तबला है उसमें ये दो, इसमें भी चमड़े की बनी होती है, लेकिन किसी किसी तबले में आप देखेंगे कि इसमें रस्सियों का भी प्रयोग किया जाता है, सूती रस्सी होती है मोटी, उसको भी प्रयोग किया जाता है। लेकिन आजकल देखने में आ रहा है कि इसकी भी जो बनाते हैं ये भी चमड़े की जो होती है ये उसकी इसकी बना देते हैं इसको, तो ये पूरा नीचे तक आया रहता है। ये देखिए तबले में ये पूरा नीचे तक आया रहेगा। और ये पूरी अभी नीचे वाला हिस्से का आपके बार आपको हम बताएंगे कि नीचे वाला हिस्सा क्या कहलाता है। तो नीचे वाले हिस्से में और ये ऊपर गजरे में ये पूड़ियाँ ऐसे नीचे से ऊपर जाती रहती हैं, इसको हम बद्दी कहते हैं। अब जो इसके बाद जो आप देखेंगे कि इन्हीं बद्दियों के सहारे ये लकड़ी के कुछ पीस जो आपको दिख रहे होंगे, ये चारों से आपको दिख रहे होंगे कि लकड़ी के ये पीस पड़े हैं, इनको गट्टे कहते हैं। ये सब लकड़ी के बने होते हैं और इन्हीं में जो बद्दियाँ होती हैं ये इसमें लकड़ी के उसमें बद्दियाँ जो होती हैं बद्दियों के बीच में फंसे हुए रहते हैं, ठीक है। अब इन गट्टों के सहारे से और बद्दियों के उससे स्वर जो तबले में स्वर होता है ऊपर और नीचे की तरफ को हम उसको कर सकते हैं कि अगर हमें ऊंचा स्वर चाहिए तो ऊंचा
और नीचा स्वर चाहिए तो नीचा स्वर हम कर सकते हैं कि अगर हम इसको जितना भी गट्टों को हम नीचे करेंगे तो स्वर उतना ऊपर जाएगा, ठीक है। और इसी प्रकार से जो बायां डग्गा जिसे कहते हैं, उसमें इसके अपेक्षा थोड़े छोटे और पतले आपको लकड़ी के टुकड़े दिखाई देते हैं, डिज़ाइनर्स भी होते हैं, कोई नॉर्मल भी रखता है, तो इस तरीके से होते हैं ये सब गट्टे कहलाते हैं छोटे छोटे। और इनसे क्या होता है कि थोड़ा टाइट हो जाता है बाएं में, और दाएं में ये स्वर को ऊंचा करने के लिए गट्टों को नीचे करते हैं, ऊपर करेंगे तो स्वर उतर जाएगा। इसके बाद आप देखेंगे कि ये इस पे ये आप जो भाग देख रहे हैं कि जो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि जिससे तबला हमें स्थिरता प्रदान करता है, ये एक जो चीज़ है तबले को स्थिरता प्रदान करती है, इसको इडरी कहते हैं, और वैसे अड्डा या इसको रिंग कहते हैं। अब मैं आपको इसके बारे में बता दूं कि ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण भाग है तबले का, क्योंकि ये तबला बजाते समय ये इसको तबले को स्थिर रखता है, दोनों ही तबले के भागों को। आप अभी तो आपको बहुत ही ये डिज़ाइनर और बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन अंदर इसमें क्या कुछ एक मेटल को गोल घुमाकर रख दिया जाता है, इसमें बाहर से कपड़े वपड़े लपेट दिए जाते हैं, और आखिरी में एक अच्छा सा कोई कपड़ा डिज़ाइनर कपड़ा लगा दिया जाता है, और थोड़ा सा उसको और डिज़ाइन करने के लिए ये एक लेस लगा दी है इन्होंने। तो इस प्रकार से ये चीज़ें होती हैं, और दोनों में ही ये सेम रहता है ताकि वो थोड़ा सा आकर्षक दिख सके। और आजकल बहुत अलग अलग टाइप के आपको ऐसे अड्डे देखने को मिलते हैं, अड्डा कहते हैं, रिंग कहते हैं, मेनली इसको इंडरी कहते हैं। तो इस प्रकार से आज हमने ये चीज़ें सीखी कि जो तबले के जो दो भाग हैं उसकी संरचना और उसके जो विभिन्न अंग हैं उसके बारे में हमने सीखा। साथ ही मैं आप लोगों को ये भी बताना चाहता हूँ कि इस तबले को कवर करने के लिए, मौसम के उससे बचाने के लिए, ये आप देख रहे होंगे दो ये कवर डिज़ाइनर कवर्स जैसे होते हैं, ये भी बनते हैं। ये इनके भाग नहीं है, लेकिन इनको सुरक्षित रखने के लिए, क्योंकि ये सब जो आपको हमने बताया कि पूड़ी है एक चमड़े की बनी होती है, तो ये मौसम के साथ इसमें परिवर्तन भी होता है, तो इसको बचाने के लिए और सुरक्षित रखने के लिए इसमें इस तरीके से ये बनाई जाती हैं। ये इनको इनके कवर हो जाते हैं, इनको कवर कहते हैं। ये इसके ऐसे भाग नहीं है, लेकिन ये इसकी एक्सेसरीज के रूप में हम इनको कह सकते हैं। और साथ ही एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसको हम ये हथौड़ी कहते हैं, हैमर। ये अमूमन जो हमें हमारे घरों में होती है उससे थोड़ी सी अलग होती है, ये थोड़ा पतली होती है। इसका प्रयोग हम करते हैं तबला को मिलाने के लिए, ये मुख्यतः तबला को दोनों भागों को मिलाने के लिए, विशेषकर हमारा जो दाया होता है उसको मिलाने के लिए प्रयोग की जाती है। और अगर जब ढीला हो जाए तो थोड़ा सा इसको कसने के लिए, या थोड़ा जिस सुर में मिलाया जाता है उस सुर के हिसाब से भी इसको मिलाया जाता है इसके सहायता से। इसको हम कहते हैं हथौड़ी, हैमर। इस प्रकार हमने तबले की संरचना, उसके अंग, और जो साथ में एक्सेसरीज के रूप में जो चीज़ें प्रयोग की जाती हैं उसके बारे में हमने आपको बताया। बहुत बहुत धन्यवाद।